नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध शुक्ला, मैं कक्षा 9 ब केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 अरमापुर कानपुर का छात्र आज आपके समक्ष इस पुस्तक की पुस्तक समीक्षा लेकर प्रस्तुत हूँ। इस पुस्तक का नाम है जंगल बुक भाग 1। इसके रचयिता है रुडवॉल्ड किपलिंग और इसका हिंदी अनुवाद किया हुआ है श्रीमती उमा पाठक जी ने। जंगल बुक भाग 1 में 6 कहानियाँ हैं, जिसमें से 2 मोगली की कहानी है। पहले में भेड़िए उसे अपना लेते हैं, दूसरी में बंदर लोग उसे उठा कर ले जाते हैं, बगीरा और बालू की मदद से उसे छुड़ा कर लाते हैं, तीसरी का शीर्षक है वह सफ़ेद सील। यह कहानी मछलियों की सारी प्रजातियों का रूप रंग ही नहीं बल्कि आचरण का भी ब्यौरा देती है। चौथी कहानी रिकी टिकी टावी एक नेवले की सांप की लड़ाई दिखाती है। यह छोटा सा नेवला अपने अंग्रेज मालिकों की कैसे रक्षा करता है, इसी का विवरण है। हाथियों का तू मैं लेखक ने 8 साल के बच्चे का साहस का और उत्साह का मिश्रण किया हुआ है। हाथियों का नाश देखकर बच्चा बहुत डर जाता है पर फिर भी हिम्मत नहीं हारता। अंतिम कहानी महारानी के सेवक में घोड़ा, खच्चर, हाथी, ऊंट, यहाँ तक कि कुत्ता भी आता है। सभी अपने अपने बारे में बताते हैं। इन कहानियों की एक यह सबसे अच्छी विशेषता है कि ये सारी कहानियाँ नैतिक हैं और मुझे ये व्यक्तिगत पुस्तक काफ़ी अच्छी लगी। अगर कोई भी इसको इशू कराएगा, लाइब्रेरी से इशू कराया, फिर वो परचेस करे, वो अपने मनी या अपना टाइम वेस्ट नहीं समझेगा। थैंक यू।